कोलकाता में गरीबों की गाढ़ी कमाई को डकारने वाले चिटफंड के मालिक को आज अदालत में पेश किया जाएगा। कहीं दर्द का सैलाब, तो कहीं गुस्से का उबाल। ये दर्द, ये गुस्सा है सब कुछ लूट जाने का, रातों रात सड़क पर आ जाने का। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर दूर गांव गांव तक आज यह नजारा है। शारदा चिटफंड कंपनी अपने साथ लाखों गरीब निवेशकों की उम्मीदों को ले डूबी है। ज्यादा ब्याज के लालच में लोग शारदा चिटफंड के झांसे में फंस गए और अब अपनी सारी जमा पूंजी गवा बैठे हैं। तो अभी हम सोचते हैं कि बाकी दिन कैसे चलाएगा, गुजरान कैसा होगा, ये हमको समझ में नहीं आता। ये दर्द है आसनसोल के धक्का निवासी 70 साल के सुशांत घोष का। सुदीप्तो सेन की कंपनी ने उनकी सारी जमा पूंजी निगल ली। अब हर बात पर वो रोते हैं क्योंकि उनके सामने अंधकारमय भविष्य है। कोल इंडिया लिमिटेड की ईस्टर्न कोलफील्ड कंपनी से बीआरएस देने के बाद उन्होंने अपनी जमा पूंजी करीब 2.25 लाख रुपए शारदा के हवाले कर दिए थे। मंथली इनकम स्कीम में उन्होंने निवेश किया था। हर महीने 10% की दर से ब्याज मिलता था और उसी से गुजारा होता था। लेकिन अब ये पैसा आना बंद हो गया है, अपनी पूंजी भी डूब गई है, बुढ़ापा मानो बोझ बन गया है। आज शारदा के ऐसा परिस्थिति आ गया कि हम रुइन हो गया, हम भिक्षा वृत्ति करने के लिए चलने आया। कुछ नहीं है हमारे पास, जहाँ था जो पैसा था सब डूब गया। आज हमारा बीवी भी है वो पैरालिसिस है, हम तो पैरालिसिस, वो भी पैरालिसिस।